हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम लोग कैलिडोस्कोप बनाना सीखेंगे, वो भी तीन स्केल्स का यूज़ करके। अभी तक हम लोग जानते थे कि कैलिडोस्कोप शीशा का यूज करके बनाया जाता है, लेकिन गाइज़ आज हम लोग तीन स्केल्स का यूज करके कैलिडोस्कोप बनाना सीखेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके लिए मिले और आप हमारे वीडियो को देख सके। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने तीन स्केल ले लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। हम इसे खोल लेंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। इसे निकाल लेने के बाद ये देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे। दिखाते हैं आपको फ्रेंड्स, जो कर्व है, जिस साइड में कर्व सरफेस है उसको बाहर की तरफ रखेंगे और जो बिल्कुल प्लेन है उसको अंदर की तरफ रखेंगे। तो गाइस देखिए, इस तरीके से हम इसे रख देंगे। बिल्कुल जो प्लेन है उसको अंदर की तरफ रखना है, नहीं तो ये गड़बड़ हो सकता है, नहीं बनेगा कैलिडोस्कोप सही से। अब हम यहाँ पर टेप यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक टेप। आप कोई सा भी टेप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक टेप यूज़ करना ज़्यादा बेटर होगा फ्रेंड्स। तो हम लेकिन अभी येलो टेप यूज़ कर रहे हैं, आप ब्लैक टेप यूज़ कर सकते हैं। दोनों साइड में हम इसी तरीके से बिल्कुल अच्छे से इसे चिपका देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हमने दोनों साइड में इसे चिपका दिया है। अब हम यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यूज करेंगे, जो कि आपको कपड़े में मिल जाएगा, कपड़े की दुकान में मिल जाएगा, जहाँ से आप कपड़ा खरीद कर लाते हैं। तो कपड़ा जिसमें आता है वो जो प्लास्टिक होता है, उसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम इसे लगा देंगे और यहाँ पर भी हम यही टेप यूज़ करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हम इस टेप से इसको भी अच्छे तरीके से चिपका देंगे, ताकि ये निकले ना। अब हम यहाँ पर कुछ मोती वगैरह इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो जो स्पार्कल्स आते हैं किरकिरी, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं इसमें, जो कुछ शाइनिंग हो वो आप यूज कर सकते हैं। इससे अच्छा पैटर्न बनेगा, हम इसमें डाल देंगे और ऊपर से भी उसी तरीके से वही प्लास्टिक जो हमने आधा काट के रखा था यहाँ पर लगा देंगे और इसे भी टेप से चिपका देंगे। अब जो यहाँ पर खाली जगह है, इसको भी हम टेप से ढक देंगे। पूरा स्केल जो है टेप से ढका हुआ होना चाहिए, देख सकते हैं इस तरीके से इसे हम ढक देंगे। ये यूज करने के बाद हम यहाँ पर एक ब्लैंक पेपर यूज करेंगे, A4 साइज पेपर या कोई भी साइज पेपर हो आप यूज़ कर सकते हैं। जेरॉक्स पेपर आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं मार्केट से। तो इसे हम यहाँ पर रख के मेज़र कर लेंगे और वहाँ से इसे यहाँ से काट देंगे। देख सकते हैं यहाँ से हम इसे काट देंगे। सकते हैं हमने इसे काट दिया है। अब यहाँ पर हम इसे फोल्ड करके इसको इससे कवर कर देंगे। जो कैलिडोस्कोप बना रहे उसे हम इस पेपर से कवर करेंगे और कवर कर लेने के बाद यहाँ से इसे हम फिर काट के निकाल देंगे। और जो बाकी बचा है यहाँ पर हम रबर यूज़ करेंगे। रबर से इसे दोनों साइड में लगा देंगे। अब चाहे तो तीन रबर भी यूज़ कर सकते हैं मजबूती के लिए। तो हम यहाँ पर रबर लगा दिया हमने एक साइड, और दूसरे साइड भी इस तरीके से हम रबर लगा देंगे। तो बस इस तरीके से करने के बाद हमारा जो कैलिडोस्कोप है वो बन के रेडी है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना है ये। देखिए किस तरीके से वर्क कर रहा है और देखिए किस तरीके से पैटर्न्स बराबर चेंज हो रहे हैं हिलाने पर इससे। लेकिन फ्रेंड्स, ये कैमरा में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो अगर आप खुद से बनाते हैं तो बहुत अच्छा ये आपको दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पर पिक आपको सामने दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ बना हुआ है। तो इस तरीके से आप स्केल्स का यूज़ करके कैलिडोस्कोप बना सकते हैं साइंस प्रोजेक्ट के लिए। तो गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे वीडियो को देख सके और कैलिडोस्कोप बना सके। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए ITC फार्मटेक कवरेज। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।